शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जाबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर डोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढौंडियाल, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।